हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग देखेंगे बॉयलर पर वाटर सर्कुलेशन के बारे से, मतलब वाटर सर्कुलेशन इन बॉयलर। कैसे हम लोग बॉयलर पर वाटर को भेजते हैं और कैसे वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और फिर से उसको हम लोग स्टीम के बाद में कैसे वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से फिर से उसको कैसे रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे से आज हम लोग एक एक करके देखेंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे पानी फ्लो होता है उसके बारे से आज हम लोग एक एक करके देखेंगे, और कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट पे कौन सा टेम्परेचर होगा उसके बारे से भी हम लोग देखते जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पानी को स्टीम ड्रम में भेजने से लेकर के उसको फिर से स्टीम बना करके उसको फिर से रिसर्कुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या साधन का उपयोग करते हैं उसके बारे से भी हम लोग देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको BOE के एग्ज़ाम के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, साथ ही साथ में आपका बॉयलर सेकेंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास के इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए समझते हैं कैसे सर्कुलेशन किया जाता है वाटर का, उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। बहुत लोग कमेंट्स किए गए थे कि वाटर सर्कुलेशन का वीडियो बनाइए, तो आज ये वीडियो चलिए देखते हैं कैसे सर्कुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि बॉयलर पर जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो हम लोग पानी ऐसे नॉर्मल पानी को तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे ट्यूब्स को क्या कर सकता है, इरोजन कर सकता है। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DM प्लांट डी मिनरलाइज्ड वाटर का उपयोग किया जाता है। तो डी मिनरलाइज्ड जो वाटर होता है वो कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, DM प्लांट से सप्लाई किए जाते हैं। अब रही बात DM प्लांट से वाटर सप्लाई किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होने चाहिए, वो उसके यहाँ पर कुछ मैं लिख दिया हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पानी जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, pH, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो pH है वो कितना होना चाहिए, 7.0 से लेकर के 9.5 ppm तक क्या होना चाहिए, होना चाहिए, और इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो एसिटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्षारीय में होना चाहिए। और इसको ppm मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है। नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका क्या होता है, ये सिलिका का जो वैल्यू होता है वाटर में वो कितना होना चाहिए, 0.02 ppm तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिंबल यहाँ पर शो कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम लोग DM प्लांट का जब वीडियो बनाएंगे तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सारी चीज़ होने से क्या इफ़ेक्ट होता है और नहीं होने से क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे से आप निश्चिंत रहिए, उसको समझा देंगे। यहाँ पर जो मेंटेन कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 100 से कम होने ही चाहिए। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस वाटर में जो हार्डनेस होती है, यहाँ पर जो वाटर की हार्डनेस है वो क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए, ठीक है। फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट की बात की जाए तो 14 से कम रहना चाहिए। फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे से भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा DM प्लांट का तभी बताऊंगा, अभी ज़्यादा बता दूंगा सारी चीज़ एक ही साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो सिर्फ हम लोग अभी वाटर सर्कुलेशन के बारे से देखेंगे, ठीक है। तो फास्फेट कितना होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। और टर्बोडिटी, टर्बोडिटी जो बोला जाता है वो कितना होना चाहिए, नील होना चाहिए, ठीक है। टर्बोडिटी का मान क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। कई कंडीशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में जो कि सिलिका का मात्रा है वो पूरे तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद। तो ये अलग अलग डिमांड रहता है कई प्लांट का, कई में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते नहीं हैं। तो ये होना चाहिए वाटर केमिस्ट्री, ठीक है, वाटर जो हम लोग यूज़ करेंगे प्लांट में वो इतना शुद्ध होना चाहिए। तो जो हम लोग पानी अब DM प्लांट्स बना लिए उसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, DM वाटर टैंक पर उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश किया हूँ। ये है DM वाटर टैंक, उसके जस्ट बाद लगा रहता है डेरेटर, डेरेटर के बाद में रहता है BFP, और BFP के बाद में एक रहेगा फीड स्टेशन,
फीड स्टेशन के बाद में इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद में वो कहाँ चला जाता है, स्टीम ड्रम में, स्टीम ड्रम के बाद में डाउन कॉमर, डाउन कॉमर से अपटेक स्ट्रीम, अपटेक स्ट्रीम के बाद में वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी सुपर हीटर, फिर एयर टेम्परेटर, फिर सुपर हीटर, और फिर वो चला जाता है टर्बाइन पर, टर्बाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद में सीपी के थ्रू फिर से उसको रिसर्कुलेट किया जाता है। तो इसको कैसे कैसे करते हैं उसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डीएम प्लांट में जो वाटर बना है, डीएम डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसको हम लोग कहां पर स्टोर करते हैं, डीएम वाटर स्टोरेज टैंक, या फिर इसी को ही बोला जाता है कंडेंसेट टैंक भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसको और क्या बोलते हैं, कंडेंसेट टैंक। कंडेंसेट टैंक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्टीम बनने के बाद जो पानी फिर से आ रहा है कंडेंस होके, उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो वो कहलाता है कंडेंसेट टैंक भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंडेंसेट टैंक में क्या किया जाएगा, बॉयलर वाटर को स्टोर किया जाता है, फिर यहाँ पर एक पंप होता है CTP, कंडेंस ट्रांसफर पंप के नाम से जाना जाता है, CTP कंडेंस ट्रांसफर पंप होता है। ये क्या करेगा, डीएम वाटर टैंक से पानी को सक्शन लेगा और वो कहाँ भेज देता है, उसको डिएरेटर पर भेज देता है। ठीक है, उस वाटर को CTP के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, डिएरेटर पर भेजा जाता है। डिएरेटर जनरली जो है BFP से अपर हाइट पर लगाया जाता है। वो हाइट डिपेंड करता है आपके सक्शन प्रेशर के अनुसार, कि आपको BFP में कितना सक्शन प्रेशर चाहिए, उसके अनुसार ही इसके हाइट को हम लोग क्या करते हैं, कम या फिर ज़्यादा रखते हैं। और साथ ही साथ में एक टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर, अगर इसका वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा लिंक नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपको डिरेटर के बारे से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिरेटर पर भेजने का क्या कारण है और कैसे वो काम करता है, और बॉयलर से कितने हाइट पर उसको BFP कितने हाइट पर उसको लगाया जाता है, उसके बारे से भी एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। तो हम लोग क्या करते हैं, CTP के थ्रू उसको कहाँ भेजा जाता है, डिरेटर पर। डिरेटर पर क्या करते हैं, यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन और डिजॉल्व गैसेस। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात की जाए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, और डिजॉल्व गैसेस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे गैस। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन या फिर गैसेस को रिमूव करने के लिए वहाँ पर कहाँ पर भेजा जाता है, डिरेटर पर भेजा जाता है। डिरेटर का और काम क्या होता है, BFP के लिए एक स्टोरेज टैंक का काम करता है। ठीक है, BFP के सक्शन के लिए एक स्टोरेज टैंक का काम करता है, और साथ ही साथ में इसका सक्शन हेड के लिए इसको क्या किया जाता है, अपर एलिवेशन पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, डिरेटर पर भेजने के बाद उस पानी को हम लोग कहाँ सक्शन करते हैं, BFP में सक्शन के लिए उसको भेजा जाता है। अब BFP पे आ गया पानी, तो BFP क्या करेगा, इस बॉयलर पर हाई प्रेशर में वाटर की सप्लाई करता है। हाई प्रेशर में करने की क्यों जरूरत है, और ये सारे प्लांट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसका प्रेशर लगभग जो BFP का प्रेशर होता है वो लगभग 1.8 टाइम इनटू बॉयलर प्रेशर के बराबर होता है। मतलब आपका वर्किंग प्रेशर बॉयलर का, अगर वर्किंग प्रेशर मान के चलो कि 40 kg है, तो आपका जो मान के चलो कि BFP का जो प्रेशर है वो लगभग 78 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, 78 kg के आसपास रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए इतना प्रेशर, क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर मान के चलो कि आपका बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 40 kg है, तो जब भी हम लोग को हाइड्रो टेस्ट करना होता है तो हाइड्रो टेस्ट कितने kg पे करेंगे, लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा रखा जाता है उसके प्रेशर को हाइड्रो टेस्ट का। तो हाइड्रो टेस्ट कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा 40 है, तो उसका आधा और जोड़ देंगे तो 60 kg प्रेशर हो जाएगा। तो उसको और ज़्यादा प्रेशर से भेजेंगे तभी जाएगा वो क्या कर सकेगा, प्रेशराइज कर सकेगा। तो हाइड्रो टेस्ट के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसलिए उसको क्या रखा जाता है, 1.8 से 1.6 टाइम उसको क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है उसकी वर्किंग प्रेशर से। नेक्स्ट देख लेते हैं BFP। BFP का फुल फॉर्म होता है बॉयलर फीड पंप। ठीक है, बॉयलर फीड पंप। बॉयलर में वाटर को हाई प्रेशर से भेजने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बॉयलर फीड पंप का उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ से पानी लेता है, डिरेटर से सक्शन लेता है, और ये लगभग 3 या 4 पेयर में हो सकते हैं। मतलब कि
तीन या फिर चार BFP हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बॉयलर के कैपेसिटी के अनुसार। अलग अलग कई जगह 2 BFP को एक साथ रन कराते हैं, कहीं पर 1 ही BFP को एक साथ, बाकी सबको क्या किया जाता है, स्टैंड बाई पर रखा जाता है। तो BFP का काम क्या होता है, हाई प्रेशर पर बॉयलर को पानी प्रोवाइड करना। और BFP जब आउटलेट देता है, ये इसका सक्शन डिस्चार्ज, और ये हो गया इसका सक्शन वाल्व, ये हो गया इसका डिस्चार्ज वाल्व। डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो हेडर में डिवाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं है एक ही हेडर में भी हो सकता है, दो हेडर है तो 2 हेडर, 3 हेडर है तो 3 हेडर, वो आपके ऊपर है, ठीक है, जितने हेडर आप बनाना चाहो। तो जनरली ये 2 हेडर में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 हेडर जो जाएगा वो क्या कहलाता है, ये बॉयलर के नीचे एक बना रहेगा, फीड स्टेशन कहलाता है। फीड स्टेशन पर हम लोग वाल्व का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, और यहीं पर ही आपका 3 एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट और 2 एलिमेंट जो होता है वो वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा वो मैं बताऊंगा। अगर आप 3 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के बारे से भी वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो बना चुके हैं। तो ये फीड स्टेशन पर हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर पर जाने वाली फीड को, वाटर को हम लोग फीड कंट्रोल करते हैं, मतलब कि उसके फ्लो को या फिर उसके प्रेशर को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये कहलाता है फीड स्टेशन। और फीड स्टेशन में देखो यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ से जो मेन लाइन आ रहा है उसको 2 भागों में हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड कर दिए। तो ये जो 2 मेन लाइन है वो कहलाते हैं 100% वाल्व। 100% मतलब कि बॉयलर पर पूर्णतः वो क्या कर सकता है, पानी को भेज सकता है, 100% भेज सकता है। जब हम लोग बॉयलर को फुल लोड पे चलाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसका हेडर से 100% वाल्व को ओपन करके ही बॉयलर को वाटर सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पर 100% वाल्व में देखिएगा, यहाँ पर 3 वाल्व रहेंगे, एक कहलाता है MOV मोटराइज्ड वाल्व होता है ये, और दूसरा होता है FCV, ये रहता है फ्लो कंट्रोल वाल्व, और ये होता है ये मैनुअल वाल्व होता है, ठीक है। 3 वाल्व रहेंगे सारे में, यहाँ पर 2 जो हेडर बना है उसमें क्या रहेंगे, एक में MOV रहेगा, दूसरा वाला FCV रहेगा, और तीसरा वाला मैनुअल वाल्व होता है, मैनुअल या फिर आइसोलेशन वाल्व भी बोलते हैं। नीचे में भी वैसे 3 वाल्व हैं, तीनों वही हैं, और यहाँ से ही इस 2 हेडर से टैपिंग लिया जाता है, एक 25% के लिए, ठीक है, और एक टैपिंग लिया जाता है 30% के लिए। जरूरी नहीं है 30% हो या ना हो, अपने बॉयलर में है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो एक रहेगा 30% और एक रहेगा 25%। तो जब आपका बॉयलर इनिशियल, जब आप लाइटअप किए हो तो इनिशियल लाइटअप करते एक साथ साथ कुछ परसेंट वाटर की मेकअप की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 25% वाल्व को ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, एक रहेगा 100% वाल्व को ओपन करेंगे और यहाँ से इसको बाईपास से लेके हम लोग 25% में उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और इस 25% से क्या करेंगे, यहाँ से पानी भेज के इस हेडर के थ्रू हम लोग उसको भेजते हैं। जब वो नॉर्मल ऑपरेटिंग पर होगा तब के कंडीशन में, ठीक है, जब वो हाई प्रेशर पर हो जाएगा या फिर हाई फ्लो जब जनरेट करना चालू कर देगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय सिर्फ वो 25% ही वाटर की मेकअप कर पा रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, पूरी पूरी बॉयलर को सप्लाई नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 100% वाल्व को ओपन करके हम लोग यहाँ से पानी की सप्लाई को जारी करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 25% जो होता है वो सिंगल एलिमेंट पर वर्क करता है, 25% जो वाल है वो क्या रहता है, सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट कंट्रोलर। आपको वीडियो बना दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, सिंगल एलिमेंट। और जो 100% वाल्व होता है वो 3 एलिमेंट सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। जो 25% है वो सिंगल एलिमेंट सिस्टम पर काम करता है, और जो 100% वाल्व है वो 3 एलिमेंट सिस्टम पर काम करता है। अगर आपको 3 एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट और 2 एलिमेंट के बारे से जानकारी चाहिए तो एक वीडियो बना दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं क्या होता है 3 एलिमेंट, कैसे काम करता है, उसके बारे से बता दिया हूँ। तो यहाँ पर MOV जो है वो क्या करेगा, आने वाले फीड लाइन को वो क्या करता है,
ओपन या फिर क्लोज करने का काम करेगा, ये सीधा सीधा एक गेट वाल्व का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रहता है एक एफसीवी। एफसीवी क्या होता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व कहलाता है। एफसीवी क्या रहेगा? फ्लो कंट्रोल वाल्व कहलाता है। ये क्या करेगा? बॉयलर में जाने वाली वाटर की फ्लो को कंट्रोल करता है। और इसी फ्लो कंट्रोल वाल्व में ही थ्री एलिमेंट को लगाया जाता है, और इस वाले फ्लो कंट्रोल वाल्व में सिंगल एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ से हेडर से पास होने के बाद में वो कहाँ जाएगा? सीधा वो इकोनोमाइजर के इनलेट पर जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को और याद रखिएगा, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर अगर डिरेटर की बात की जाए तो डिरेटर पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जरूरी नहीं है कि ये हर एक बॉयलर में 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि ये आपका जो 130 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, ये हर एक बॉयलर के अलग अलग डिज़ाइनिंग के अनुसार, उसके प्रेशर के अनुसार, डिरेटर के प्रेशर के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको चेंज होता रहता है। तो अपने बॉयलर में अगर 2 kg का प्रेशर मेंटेन हो रहा है, 3 kg का, तो 130 तक हम लोग रखते हैं, ताकि यहाँ से प्रॉपर ऑक्सीजन क्या हो जाए, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो सके। BFP का सक्शन प्रेशर कितना हो जाता है? लगभग 5 to 7 kg का प्रेशर होता है, 5 to 7 kg तक रहता है ये। इसके हाइट के अनुसार वो क्या कर सकता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इनलेट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इको का इनलेट 130 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो फीड स्टेशन से हम लोग कंट्रोल करने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, इसके बारे से भी वीडियो बना दिया हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है? इकोनोमाइजर में जो वेस्ट फ्यूल है, फ्लू गैस जो जा रहा है, उसकी हीट को हम लोग लेकर के क्या करते हैं, उस पानी को हम लोग ड्रम पर जाने वाले पानी को कुछ मात्रा तक क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। तो जब ये इकोनोमाइजर के आउटलेट से निकलता है तो इसका टेम्परेचर लगभग 230 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब मान के चलो कि आपका बॉयलर यदि 38 kg का है या फिर 40 kg का है, तो इसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वो लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, इस प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो देखो, जब इकोनोमाइजर में हम लोग उस पानी को भेजे तो वो क्या कर दिया, लगभग सेचुरेशन टेम्परेचर के जितना वो टेम्परेचर क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। फिर उसको हम लोग कहाँ पर भेजते हैं? स्टीम ड्रम पर भेजा जाता है पानी को। अब स्टीम ड्रम का जो टेम्परेचर रहेगा वो इसका आउटलेट टेम्परेचर होगा उतना ही रहेगा, तो 230 डिग्री तक ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गेन कर लेता है। उसके बाद क्या करेंगे, इस स्टीम ड्रम के बाद पानी को एक डाउन कॉमर, इसको क्या बोला जाता है, डाउन कॉमर बोला जाता है। और ये डाउन कॉमर या फिर इसको बोला जाता है डाउन टेक ट्यूब बोला जाता है, ठीक है, डाउन टेक राइजर या फिर डाउन टेक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये डाउन कॉमर से होता हुआ पानी कहाँ आता है, ये इसको बोलते हैं वाटर वॉल, ठीक है। जो फर्नेस के किनारे किनारे देखना, बहुत सारे वाटर वॉल्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डाउन कॉमर के थ्रू वो चला जाता है वाटर वॉल में। और यहाँ पर बहुत सारे लगे रहते हैं, जैसे कि सेंट्रल पैनल्स हो गए, रिंग हेडर्स हो गए, है ना। तो वो चीज़ वहाँ से गुजरते गुजरते वाटर वॉल्स होते हुए फिर से कहाँ चला जाता है, स्टीम ड्रम पर रिटर्न चला जाता है। स्टीम ड्रम पर जाने के बाद ये पूरी तरह से लगभग लगभग सेचुरेशन टेम्परेचर को गेन कर लेता है। लेकिन कई ऐसे प्लांट्स होते हैं कि अगर उसमें सेचुरेशन टेम्परेचर को गेन नहीं कर पाता, तो यहाँ पर और क्या लगा दिया जाता है, एक एक्सटर्नल इवेपरेटर और एक होता है रेडिएंट इवेपरेटर, दोनों को यूज़ कर लिया जाता है, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं एक्सटर्नल इवेपरेटर और रेडिएंट इवेपरेटर का डायग्राम नहीं बनाया हूँ, अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका भी वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके एक्सटर्नल इवेपरेटर और इंटरनल इवेपोरेटर क्या होता है उसके बारे से। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ड्रम पे जाएगा। ड्रम पे जाने के बाद में ये कुछ भाग में क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टीम में कन्वर्ट होके वो कहाँ, ड्रम के वाटर से ऊपर की ओर उड़ना चालू होता है, ठीक है, ऊपर ये स्टोर होते जाता है। और ये क्यों होता है, तो ये ड्रम पे जो
सेपरेटर्स लगे रहते हैं, ठीक है। उसके कारण इसको क्या किया जाता है, ड्रम से वाटर और स्टीम को अलग किया जाता है। तो ये क्या होगा, जब स्टीम ऊपर की ओर उड़ेगा तो उसके बाद एक लाइन यहाँ से और ब्लेड करके निकाल दिया जाता है। ये क्या करेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सुपर हीटर। अब वो नेक्स्ट जो स्टीम बन गया, अब वाटर क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में ये कहाँ चला जाता है, प्राइमरी सुपर हीटर पर। ये प्राइमरी सुपर हीटर का इनलेट होगा जो ड्रम से लिया जाता है, और ड्रम से आने के बाद में क्या हो जाएगा, प्राइमरी सुपर हीटर को एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन जोन पर रखा जाता है कुछ भाग को, और कुछ भाग का इसका आउटलेट कहाँ पर जाता है, थर्ड पास में कन्वेक्शन जोन पर क्या भेजा जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया रेडिएशन जोन, फर्नेस का जो इस साइड है वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन जोन कहलाएगा, और ये इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन जोन, ठीक है। और ये बीच का भाग रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों होता है। तो प्राइमरी सुपर हीटर का जो इनलेट होता है वो कहाँ पर रहेगा, रेडिएशन और कन्वेक्शन जोन, मतलब कि ये जो सेकेंड पास है यहाँ पर इसको क्या रखा जाएगा, रेडिएशन और कन्वेक्शन जोन पर इसका इनलेट को दिया जाता है। मतलब कुछ भाग में रेडिएशन मिले और कुछ में कन्वेक्शन मिले, और इसका जो आउटलेट हेडर है उसको कहाँ भेजा जाता है, कन्वेक्शन जोन में रखा जाता है। फिर यहाँ से टेम्परेचर गेन करने के बाद लगभग ये यहाँ से 100 डिग्री टेम्परेचर लगभग गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो आउटलेट का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाता है, लगभग 355 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर गेन कर लेता है मोस्टली। और ये डिपेंड करेगा आपके फ्लू गैस टेम्परेचर के ऊपर और बॉयलर के डिज़ाइन के ऊपर। तो ये तो 100 डिग्री गेन करता ही है। नेक्स्ट है, उसके बाद इस स्टीम को कहाँ पर भेजा जाता है, एयर टेम्परेटर बोला जाता है। एयर टेम्परेटर का काम क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। एयर टेम्परेटर और एक होता है डी सुपर हीटर, एयर टेम्परेटर और डी सुपर हीटर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे से आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो। तो एयर टेम्परेटर का काम क्या होता है, एयर टेम्परेटर जो प्राइमरी सुपर हीटर का आउटलेट है वो कहाँ जाता है, एयर टेम्परेटर पर जाता है। एयर टेम्परेटर पर एक और लाइन रहता है, कंडेंसेट वाटर स्प्रे लाइन। अब क्या होगा, जब हम लोग को फाइनल सुपर हीटर के आउटलेट का जो टेम्परेचर है, फाइनल सुपर हीटर के आउटलेट का जो टेम्परेचर है उसको यदि हम लोग को मेंटेन करना है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर को स्प्रे करेंगे, और ये इसका साइज़ बड़ा क्यों रखा जाता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा रहता है बाकी ट्यूब से, तो क्यों रखा जाता है उसके बारे से भी आपको बता दूंगा। तो जब हम लोग इस पर कंडेंसेट वाटर स्प्रे को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, और इसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि फाइनल जो आउटलेट टेम्परेचर है उसको यहाँ से ही कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एयर टेम्परेटर के जो आउटलेट है वो कहाँ जुड़ा रहता है, सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर के इनलेट पर जुड़ा होता है, ये कहलाता है सेकेंडरी सुपर हीटर। सेकेंडरी सुपर हीटर में फिर इसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लगभग 310-320 के आसपास, या फिर 350-340 तक वो रहता है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना वहाँ से टेम्परेचर लेना चाहते हो। फिर ये क्या होगा, इसका जो इनलेट टेम्परेचर 320 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर रखा जाता है, फिर वो जाएगा सुपर हीटर इनलेट कॉइल पर। सुपर हीटर को हमेशा हम लोग रेडिएशन जोन पर रखते हैं, ठीक है। सुपर हीटर का काम क्या है, जो भी इस प्राइमरी सुपर हीटर के बाद में जो भी अब वाटर में वो स्टीम फॉर्मेशन तो हो चुका है, लेकिन प्रॉपर वो वहाँ से जो वाटर है वो प्रॉपर रिमूव नहीं होता है, और उसको क्या कर लिया जाता है, एकदम डी सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कहाँ भेजते हैं, सेकेंडरी सुपर हीटर में उसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। सेकेंडरी सुपर हीटर रेडिएशन जोन पर उसको रखा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी सुपर हीटर की क्वाइल्स लगे रहेंगे, यहाँ से वो क्रॉस करके टेम्परेचर को गेन करके वो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसको राइज करके उसको कहाँ भेज देता है, फाइनल सुपर हीटर में भेज देता है। अब ये जो टेम्परेचर है ये अपने 38 केजी के बारे से बता रहा हूँ, ठीक है।
हर एक बॉयलर का अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये अपना टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 450 डिग्री। फिर ये कहाँ जाएगा, फाइनल सुपर हीटर आउटलेट पर। यहाँ पर एक फाइनल सुपर हीटर आउटलेट हेडर बना होता है। ये जो हेडर्स है यहाँ पर एक क्या रहेगा, मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व होता है, और यहीं पर ही आपको सेफ्टी वॉल्व मिलेगा। सेफ्टी वॉल्व, मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व, ERV, प्रेशर गेज, सारे यहाँ पर हेडर पर क्या रहते हैं, लगाए जाते हैं। मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व के बाद में रहता है एक NRV। NRV मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। यहाँ से जब हम लोग स्टीम को ओपन करते हैं तो ये क्या करेगा, स्टीम जाएगा और टर्बाइन को क्या करता है वो टर्बाइन को या फिर प्राइम मूवर को चलाने का काम करता है। और टर्बाइन पे जाने के बाद में ये स्टीम क्या करेगा, यहाँ पर इस टर्बाइन को चलाने के बाद में वो स्टीम कहाँ चला जाता है, बचा हुआ जो एग्जास्ट स्टीम है इसको बोला जाता है अब एग्जास्ट स्टीम। ये एग्जास्ट स्टीम कहाँ चला जाता है, कंडेंसर में चला जाता है, नीचे इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर का काम क्या होता है, जो स्टीम है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। ये टरबाइन से जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है, जो एग्जास्ट स्टीम है वो जो बचा हुआ स्टीम है चलाने के बाद जो बचा हुआ स्टीम बचा है वो कहाँ चला जाता है, कंडेंसर पे। और कंडेंसर पर क्या दिया जाता है, कूलिंग वाटर इनलेट और एक होता है कूलिंग वाटर आउटलेट। इसके अंदर में बहुत सारे कॉपर्स के ट्यूब्स या फिर एल्युमिनियम के ट्यूब्स को लगाया जाता है या फिर ब्रास और ब्रॉन्ज के भी लगाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, कूलिंग वाटर पानी जो कि कूलिंग टावर से आता रहता है, कूलिंग टावर सुने हो ना, वहाँ से क्या करते हैं, कूलिंग वाटर को भेजा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स के अंदर वो क्या होता है, पानी फ्लो होता है और ट्यूब के बाहर में स्टीम को फ्लो कराया जाता है। तो ये हीट एक्सचेंजर का काम करता है। और जब ये वाटर और स्टीम आपस में यहाँ पर जब मैच होते हैं, जुड़ते आते हैं, तो क्या हो जाता है, वो स्टीम को ठंडा कर देता है और उसको वाटर में फिर से कन्वर्ट कर लेता है। अब एक क्वेश्चन और, हम लोग को इसको वाटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, BOE में पूछा जाता है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो कंडेंसर में हम लोग को इसको वाटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है और कितना इस पर वाटर की सप्लाई की जाएगी, वो डिज़ाइन के बारे से अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं पता होगा तो इसके बारे से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर में उसको फिर से कन्वर्ट कर लिया जाता है स्टीम को। और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद में एक होता है, ये हॉट वेल बोलते हैं इसको, हॉट वेल बोला जाता है। इस हॉट वेल में क्या करेगा, पानी को स्टोर किया जाता है और पानी को स्टोर करने के बाद में इसको कहाँ से, CEP पंप। CEP का फुल फॉर्म होता है कंडेंस एक्सरेशन पंप कहलाता है। इस कंडेंस एक्सरेशन पंप के थ्रू फिर से इस पानी को कहाँ भेजा जाता है, एक DM वाटर टैंक में फिर से उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। और DM वाटर टैंक में भेजने के बाद में यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना टेम्परेचर कम किया जाता है ताकि वो सिर्फ वाटर में कन्वर्ट हो जाए और उसका हीट जो है बचा हुआ है वो फिर से हम लोग उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, वाटर के हीट को। अब यहाँ पर कई बड़े प्लांट में हीट एक्सचेंजर्स और लगे रहते हैं इस कंडेंसेट जो कि वाटर है उसके जो टेम्परेचर को फिर से हम लोग को कुछ यूज करना हो तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और वाटर सर्कुलेशन के बारे से समझ गए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और उसके बारे से बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है, ये वीडियो, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट्स होता है वो पॉजिटिव एनर्जी हमको देता है और अच्छे से अच्छे हम लोग वीडियो और बना सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। Thank you.
We'll be right back.